हे गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ टूथब्रश का यूज़। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सबसे पहले, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू करने के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बने रहे, बस वही चाहती हूँ। तो टूथब्रश तो हम एवरीडे यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए, उसके अलावा भी हम इनका बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ वही आज हम देखते हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक मैंने पहले भी कहा है मेरे किचन वाले ब्लॉग में कि एक टूथब्रश मैं बाथरूम में रखती हूँ और एक पुराना टूथब्रश मैं किचन में रखती हूँ। तो बाथरूम वाले बहुत यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ किया जाता है बाथरूम वाले से। जैसे मैं ये बैंगल्स साफ़ कर लेती हूँ, मेरे जो नेल्स हैं मैं ऐसे अच्छे से उनको साफ़ कर लेती हूँ, मेरे हाथों के, पैर के, और फिर बहुत अच्छे से सिंक साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छे से मिरर भी साफ़ हो जाता है, और छोटे 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 मोटे चीज़ें जो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो बहुत सारे यूज़ेस हैं। इसके अलावा किचन में भी बहुत सारे यूज़ हैं। तो किचन में भी मैं क्या मुझे क्या लगता है, जैसे ये जो मग देख रहे हो आप, ये मग के जो किनारे होते हैं ये बहुत अच्छे से टूथब्रश से साफ हो जाता है, क्योंकि ये छोटी चीज़ है। और फिर कॉम्ब, ये भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, ये भी मैं बाथरूम ही कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से जस्ट इसे सर्फ के पानी में भिगो के रखना है, और ऐसे 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 करने से बहुत अच्छे से आपका कॉम्ब भी एकदम साफ सुथरा हो जाता है। और किचन में जो कप होते हैं, चाय का कप, उसके जो ये किनारे हैं ये बहुत, अब देखोगे पानी का दाग रह जाता है, तो यहाँ पे तो हमारे हाथ अच्छे से नहीं पहुँच पाते, तो हम ये ब्रश से बहुत अच्छे से इन्हें साफ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्पेक्टिकल है वो भी हम बहुत अच्छे से स्पेक्स को साफ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो धूल मिट्टी जमती है यहाँ से यहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँचते, या फिर छोटी से छोटी उंगली भी नहीं पहुँचती। तो ब्रश से हम बहुत अच्छे से धूल मिट्टी, या फिर आप लैपटॉप का कीबोर्ड ले लीजिए, तो ये ब्रश यूज़ करने के बाद भी हमें रीयूज़ करने में बहुत बहुत काम आता है। तो DIY भी बना सकते हैं, बहुत सोपेस वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो इसे फेंकिए मत, इसे रीयूज़ कीजिए। और दांतों के लिए तो ब्रश तो आपको महीने में या फिर 14 दिन बाद या फिर 3 महीने बाद चेंज करना ही पड़ता है, तो उसके बाद भी इसका कैसे उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम इतना महंगे ये खरीदते हैं, कोलगेट ओरल भी हो गया, महंगे महंगे खरीदते हैं क्योंकि हमारे दांतों के अच्छे के लिए, तो क्यों ना हम इसे फिर भी रीयूज़ करें, रीयूज़ करने के भी काम लगाएं। तो बस आप ये खरीदते रहिए पर फेंकिए मत, इसे फिर से रीयूज़ कीजिए। इससे आपको पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएगा और साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।